दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लेके आए हैं बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू के पकौड़ों की रेसिपी। बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश पड़ती है तो पकौड़े खाने का सबका मन करता है, तो हम भी आज पकौड़े बनाए हैं, तो आपके साथ ये वीडियो हम शेयर करेंगे। तो हमने बनाए हैं आलू के पकौड़े, बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है, तो आप इस एक बार बना के जरूर ट्राई करना। और आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो जरूर देखना, लाइक कमेंट करना, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके लिए ऐसी सिंपल और टेस्टी रेसिपी लाती रहूंगी। चलो चलते हैं आलू के पकौड़े बनाने। आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमने लिए हैं दो आलू, दो आलुओं को छील लेते हैं। बारिश का मौसम है तो पकौड़े सब घर में बनते हैं, तो इस तरह से आप आलू के पकौड़े ज़रूर बना के ट्राई करना, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो मैं दोनों आलुओं को छील लेती हूँ, एक तो छील लिया, इसको भी छील लेते हैं इस तरह से। थोड़ा बहुत आपको ख़राब आलू दिखे तो उसे साइड से निकाल देना। तो दोनों आलू मैंने छील लिए, तो इनको हम काट लेते हैं पतले पतले, जो हमें इस तरह से सबके पतले पतले काट लेते हैं इस तरह से। तो देखो सारे आलू को मैंने काट लिया है, अब इनको ऐड कर देती हूँ मैं पानी में, क्योंकि ये काले ना पड़े। तो ये देखो मैंने इसमें पानी ले लिया है, तो इसमें सारे आलू जो मैंने काट के रखे हैं इनको इसमें ऐड कर देती हूँ। जो कभी हमें टाइम लगेगा, अभी हमें बेसन का बैटर भी बनाना है तो हमें कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो जब तक ये आलू काले पड़ जाएंगे तो इनको सबको मैंने डाल लिया पानी में, मैंने पानी में आराम से जब तक रहने देते हैं। बेसन का घोल बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी में बेसन ले लिया है, तो मैंने एक बाउल ले लिया है, मैं डाल देती हूँ इसमें बेसन। और इसमें डालेंगे हम मसाले, तो इसमें डाल कर मसाले, तो पहले मैं हरी मिर्च काट के रख ली मैंने, और धनिया पत्ता तो इनको ऐड कर देती हूँ, वो बारीक चॉप करके रख ली मैंने। अब अगर बच्चों के लिए बना रही तो इसमें हरी मिर्च ना ऐड करें, स्किप कर सकते हो आप। और ऐड करेंगे हम इसमें मसाले, तो ऐड करूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और नमक टेस्ट के अनुसार, तो नमक अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो। इसमें इन सब मसालों को हम मसाले में ऐड कर दिए, तो मसालों को इसमें अच्छे से मैं सर से मिला लेती हूँ इसमें। और हमें इसका घोल बनाना है, तो इसमें एक साथ हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, नहीं तो इसमें गांठें बन जाएंगी। तो मैं इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है, तो इसका एक पतला सा बैटर बना के करना है तैयार। हमें ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, तो इसमें पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। आप अपने हिसाब से देख के हिसाब से पानी ऐड करें कि आपका बेसन पतला ना हो जाए। तो पहले से अच्छे से मिला लेते हैं, तो गांठें ना पड़ जाए उस हिसाब से। इसमें और पानी ऐड करेंगे, इसमें भी हमारा बेसन थोड़ा गाढ़ा है, तो अच्छे से देखो इसका बैटर बन के हो गया तैयार। इस तरह से हमें बनाना है, वैसे हमें इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। हमारा बैटर हो गया बन के तैयार, अब चलते हैं गैस पे ऑयल चढ़ाने के लिए। गैस में चला दिए, अब इसमें डालेंगे ऑयल, तो इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ। ऑयल हो जाने देते हैं गरम, ऑयल गरम हो गया है तो चलते हैं पकौड़े बनाने। तो हो गया तैयार, तो इसमें डाल देते हैं आलू जो हमने काट के रखे थे, ऐड कर लेती हूँ इसमें। तो बहुत सारे पकौड़े बनके हमारे तैयार होंगे, तो अब इसको हमारे आलूओं को अब एक एक करके कढ़ाई में डालते जाएंगे हम। इसमें आलू एक एक करके जितने इसमें आलू आएंगे सारे हम इसमें डालते जाएंगे। ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं आलू के पकौड़े, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बच्चों को ज़्यादातर आपको पता है आलू की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो इसमें एक एक करके जितने भी इसमें आलू आएंगे छोड़ देंगे, तो इनको पलट देते हैं एक एक करके, वह एकदम आराम से टेस्टी होने तक सेकेंगे पलट पलट के। तो एकदम अलग अलग हमारे खिले खिले आलू के पकौड़े बने हैं।
पलटते हुए एकदम क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लेंगे हम, एकदम आलू भी अच्छे से अंदर से सिक जाए, जब तक मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें पकाना है। तो देखो हमारे पकौड़े सिक गए, तो इनको अब निकाल लेते हैं हम, तो इनको हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में, और इस तरह से सारे पकौड़े सेक के कर लेंगे तैयार। तो हमारे आलू के पकौड़े बन के हो गए तैयार, देखो एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं, खाने में टेस्टी लगेंगे, और देखो एकदम क्रिस्पी बने हैं, देखो अंदर से आलू भी हमारा पक गया है। तो इस तरह से आप आलू के पकौड़े बना के ज़रूर खाएं, बारिश का मौसम चल रहा है तो आप बना के खाओगे और टेस्टी लगेंगे, तो आप इस तरह से ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताना, और आपके लिए सिंपल और टेस्टी रेसिपी लाती रहूँगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।